बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त जी हम रेलवे ट्रैक पे मौजूद है। ये देखिए माशाल्लाह, क्या हाल है? ठीक हो? क्या कर दे पे इधर? तुम सारा बकरे चुगा रहे हो? आप क्या करने आए इधर? स्कूल तो छुट्टियाँ सटी हैं, मौजा लगी हैं। जैसी करो है असि तो आप तरसते सा। वो जी सामने हमारा घर है तो वो भाई जनाब भी उसको छत उसका जो ना वो उतार रहे हैं और इंशाल्लाह इधर हम अपना नया घर बनाने जा रहे हैं। ये जी ये सामने जो गार्डन है, ये इधर जो इधर कपड़े हैं, ये कपड़े जिधर से इधर से लेके ये जो ये भाई कर रहे हैं इतना ये घर है। इंशाल्लाह ये उतारेंगे और इसके सारा कुछ गिरा के नया इंशाल्लाह मीना घर तमीर करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको नेक्स्ट बना वो अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। जी तो आ रही है ट्रेन, तो उसकी बनाते हैं अभी वीडियो। जी भाई देख सकते हैं मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करना भी सौखा नहीं है। ये जी तो भी आप सबको मालूम है कि फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन का मतलब चढ़ है, तो इस सिलसिले में ही आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम उनके लिए दुआ करें। हम उधर जाकर उनके साथ लड़ तो नहीं सकते, अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह जाएंगे भी। तैयारी भी मैंने की थी पर हर जगह से जो है ना वो बॉर्डर उन्होंने बंद किए हैं। इतनी तो मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि एक दफ़ा चले जाते उधर, जो भी होता वो फिर अल्लाह ताला की रज़ा होती। पर यह क्या है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना जिस वजह से हम उधर जा सकें। तो ये आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला इस मुश्किल से जिनको निकाले। किस तवंजा इस्लामी ममालिक हैं पर कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा, बस बाकी सब एक हो गए, बड़े मुसलमान एक नहीं हो सकते। तो ये आप दिल तो समझे कितना दुख होता है, इतना दुख होता है कि जब वीडियो देखते हैं तो बस हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए दुआ तो लाजमी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। The next day. इस वक्त जी हम शानदार चौक से थोड़ा सा आगे जीटीएस चौक है, तो जगह पर ये एक एयरक्राफ्ट का जो है ना F-16 तैयार का नमूना लगाया गया है। ये 1996 में लगाया गया था। और बाकी इंशाल्लाह अगर इसकी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आपने लाजमी शेयर करना है। जी तो ये वो जगह है जिस जगह पे अंदर इंजन वगैरह होता है और बंदे बैठते हैं, और बिल्कुल ये देखें कि अंदर से बिल्कुल खाली है और किस तरह ये ढांचा हो। इसमें भी कुछ चीज़ मौजूद भी नहीं है और हमने अंदर से भी आपको भी वीडियो में दिखा दिया। तो देखना चाहे तो ये चंदार चौक से जीटीएस चौक की तरफ आता है या छावनी की तरफ रास्ता आता है, उधर ये इन्होंने लगाया हुआ है ये जहाज का नमूना सा। और साथ में इन्होंने इसका नाम दिया हुआ F9 पार्क झेलम। तो उम्मीद करते हैं अभी थोड़ी सी और भी वीडियो है, उसमें कुछ इसकी डिटेल लिखी हुई है, वो मैं आपको साथ जो है ना वो शेयर कर देता हूँ, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी जाकर। ये जो देख सकते हैं F-6 एयरक्राफ्ट, The next day. वेलकम बैक हो गया जी आपका नदर ब्लॉक के अंदर। तो आज जी तीसरा दिन है जो ना वो काकी तो गिराया जा रहा है पुराने वाले को, तो इंशाल्लाह काफ़ी टाइम लगेगा, साथ साथ आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह घर की मैं आपको मुकम्मल जो ना वो अपडेट देता रहूँगा।
भी टाइम है, पीछे वाला भी इनसे लग जाएंगे, वो बिगड़ा के एक दफ़ा बिल्कुल सारा नया बनाएंगे। ये जब भी ये गार्डर गिराएंगे जो सामने लगा हुआ है, ये देखते हैं अभी, ये भी जो साइड में वो दीवार है उसको गिराएंगे, और उसके बाद ये जो गार्डर है इंशाल्लाह ये भी नीचे गिरा दिया जाएगा। पीछे भी जो गार्डर है इंशाल्लाह वो भी, उनका टाइम दिया हुआ है हमने 2 माह का, वो 2 माह बाद खाली करेंगे इंशाल्लाह, वो भी गिरा के और एक दफ़ा ये सारा इंशाल्लाह बनाएंगे। वेलकम बैक हो गया जी आपका अनदर डे के अंदर। तो आज फिर भी हम आपको देने आए हैं अपने घर की सेटिंग बताने आए हैं कि जो घर है पीछे वाला भी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया और आगे वाला भी, तो किसी और जगह पे भी हम घर बना सकते हैं, पर इधर बनाने का मकसद ये है, एक तो ये है कि हमारा इधर तकरीबन 50 से 60 साल हो चुके हैं मेरे रहते हुए, सब लोग जानने वाले हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो बड़े मामला हो जाते हैं ख़राब, तो इसलिए पीछे वाले जगह थी वो भी हमने ले लिया, तो इंशाल्लाह इसकी हम सेटिंग करेंगे और अच्छा सा घर बनाएंगे। तो अभी ये देख सकते हैं आप, इसमें यह कि जो लंटर वगैरह था, ये जो अभी टाइलें से नज़र आ रही हैं ये पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये कपड़े से हैं, तो ये भी इंशाल्लाह अनकरीब, ये भी जो ना उनको टाइम दिया उनने 2 माह का, तो 2 माह का उनको हमने टाइम दिया, 2 माह बाद इंशाल्लाह वो खाली करेंगे, वो भी फिर करा कर उधर भी नया घर बनाएंगे और ये वाला भी, और इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे। इधर थोड़ा सा इस तरफ जाएं तो लोगों ने बड़े ज़्यादा ना कबूतर के डेरे शेरे बनाए हुए हैं, देख सकते हैं सामने कबूतर उड़ रहे हैं, एक ये है एक वो चाल है जनाब, सीटियाँ मार रहे हैं बड़ी बड़ी, ऐसे आवाज़ें आ रही हैं जैसे पता नहीं क्या आवाज़, ये भी देखें उधर भी झुंड नज़र आ रहे हैं, एक ये झुंड है और एक वो इसे उधर से नज़र आएगा, अभी नहीं नज़र आ रहा, ये वो सामने झुंड आया कबूतरों का झुंड, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है, अभी सर्दी आ रही है और गर्मी का जाने का टाइम हो चुका है। ये जी माड़ा घर है, वो पीछे भी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर ये वाला भी हमारा घर है, और साथ ही रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक गुजर रही है और ये नीचे हमारा घर है। तो उम्मीद करते हैं यह व्लॉग आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक ज़्यादा देर अल्लाह हाफिज़।